हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि डीजीपे में फिर से नया अपडेट आ चुका है, और फ्रेंड्स अगर आप भी डीजीपे चलाते हैं और जब आप अपने डीजीपे को ओपन कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका अपडेट दिखा रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आप यहां पे देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है और यह आपका ओपन नहीं होता है। तो फिर इसे कैसे आपको फिक्स करना है और जो नया अपडेट वर्जन आया है उसमें नया क्या आया है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, डीजीपे को अपडेट करने के लिए पहला तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पर राइट क्लिक करना है और इसकी ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। तो फ्रेंड, जहां पे आपका डीजीपे रखा होगा आप उसके अंदर चले जाएंगे। आपको नीचे आना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेटर का, इस पे आपको राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्टर करना है और यस करना है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ सेकंड आप यहां पे वेट करेंगे जब तक ये यहां पे डाउनलोड होता है। अगर फ्रेंड्स सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाता है तो आपका ऐप अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई एरर आती है तो ये अपडेट नहीं होगा। अब फ्रेंड आपको चलना है ऊपर और यहां पे देखेंगे अपडेट नाम का एक फोल्डर बन गया होगा जो कि ऑटोमेटिक बन जाता है। आपको इसे खोलना है और यहां पे देखिए अपडेट लिखा है, आपको इसे भी खोलना है। यहां पे देखिए इसमें कोई भी फाइल नहीं आई है जो कि पूरी तरीके से अपडेट हो। यहां पे देखिए क्लोज करेंगे, यहां पे दिखा रहा है डीजीपे। इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये एक एरर दिखा रहा है, यानी कि यहां से आपका अपडेट नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब आपको अपडेट कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहां पे कंट्रोल पैनल में जाना है। तो जो आपका कंट्रोल पैनल है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और यहां पे कंट्रोल पैनल को सर्च करिए। ये देखिए कंट्रोल पैनल हमने सर्च करा और यहां पे फ्रेंड्स आपको प्रोग्राम में जाना है जहां से आप प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं। तो हम देख लेते हैं कहां पे हमारा प्रोग्राम, ये देखिए यहां पे प्रोग्राम एंड फीचर्स, और यहां पे देखिए पड़ा होगा आपका डीजीपे। कहां है डीजीपे, ये देखिए ये है डीजीपे। हम यहां पे इसे यस करते हैं और हटा देते हैं। ये देखिए हम यहां पे ओके करेंगे और यहां से ये हमारा डीजीपे हट जाएगा। अब फ्रेंड्स हमें एक काम और करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको फिर से देखिए सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव के आने के बाद देखिए यहां पे एक फोल्डर बना होगा सीएससी ई गवर्नेंस लिमिटेड का, आपको इसे डिलीट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे इसे राइट क्लिक करेंगे और यहां पे डिलीट कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपका यहां पे सब कुछ हट जाएगा। अब देखिए आपको नए डीजीपे को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड डाउनलोड कहां से करेंगे मैं बता देता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको आना है डीजीपे की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहां पे देखिए डाउनलोड डीजीपे लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये नया यहां पे अपडेट वर्जन आ गया है 4.6 विंडोज के लिए। आपको यहां पे इसे डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। सो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं यहां पे ये हमारा डीजीपे डाउनलोड हो चुका है। हम यहां पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर किया और यहां पे ये जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब फ्रेंड देखिए यहां पे कुछ जानकारी दी गई है, आपको चाहे तो पढ़ सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए। ये आपका डीजीपे का नया वर्जन है 4.6, आपको इस पे राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्टर करना है और यस करना है। अब आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और इसे इंस्टॉल कर देना है और फिनिश कर देना है। अब ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको चलना है डेस्कटॉप पे, इसका आइकॉन डेस्कटॉप पे आ गया होगा, ये देखिए आ गया है। आपको राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्टर करना है फर्स्ट टाइम, यस करना है। उसके बाद ये लोडिंग होगा कुछ इस प्रकार से, तो आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। नीचे देखेंगे तो वर्जन लिखा हुआ है 4.6। चलिए यहां पे कुछ सेकंड का टाइम दीजिए इसे लोड होने के लिए, और जैसे ये लोड होता है तो ये आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फ्रेंड फर्स्ट टाइम सर्वर से कनेक्ट होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। अब फ्रेंड्स आपको इसे रजिस्टर्ड करना है, तो सबसे पहले अपने सीएससी आईडी डालनी है। चलिए डाल देता हूं। रजिस्टर्ड होते ही फ्रेंड इस प्रकार से लिखा आएगा रिस्टार्ट एप्लीकेशन, आपको ओके करना है। और अब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहां पे क्लोज हो जाएगा और अब आपको इसके लिए दोबारा ओपन
करना होगा। अब आपको फिर से अपनी CSC ID डालनी है और अपना थंब लगाना है और इसे लॉग इन करना है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स फाइनली जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फीचर्स कोई भी नहीं बड़ा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में विड्रॉल है, बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट है, पे आउट है, मनी ट्रांसफर है, वही सारे ऑप्शन है। ना तो कोई नया ऑप्शन आया है, ना ही यहाँ पे कोई बदलाव किया है। अगर हम विड्रॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको बैंक चुनना है, उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे कस्टमर का आधार या VID, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप चकमा लगाएंगे फिंगर के लिए और स्कैन फिंगर करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स CSC अपने वर्जन में नई सर्विसें लाती है, लेकिन फ्रेंड्स वो केवल डेमो होता है और उसके बाद वो बंद कर दी जाती हैं। अभी फ्रेंड कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट आया था लेकिन वो बंद कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आयरिस स्कैनर जोड़ा गया था कुछ टाइम के लिए, वो भी रहा, उसे भी बंद कर दिया गया। अब फाइनली यहाँ पे सब कुछ हटा के और फिर से पुराने जैसा ही ऐप को छोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका चलना शुरू हो जाएगा और अब आप इसमें भली भांति काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया बदलाव नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और यूज करना है। और फ्रेंड फिर से समझ लीजिए कि DigiPay में अभी कुछ भी नया नहीं आया है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।